सर, माय नेम इज मोहम्मद इरफान। ओके बेसिकली आई हैव टू इंजीनियरिंग डिग्रीज, वन फ्रॉम पाकिस्तान दैट इज इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ओके एंड वन फ्रॉम जर्मनी दैट इज सस्टेनेबल अर्बन इंजीनियरिंग। ओके एंड आई हैव ऑलमोस्ट 15 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके राइट नाउ आई एम वर्किंग एट पंजाब आईटी बोर्ड एज अ पीएमओ प्रोग्राम मैनेजर, ओके द रोल ऑफ पीएमओ प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। सो ओके एंड आई वुड लाइक टू कमेंट हियर दैट आई मिस्ड प्रीवियस टू सेशंस दैट आई वाज मेंट टू बी देयर, बट आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे विद सर इंजीनियर बकास, थैंक एंड आई एम यू, ग्रेटफुल टू यू फॉर योर मोटिवेशन एंड वेरी गुड लेक्चर्स। थैंक यू थैंक वेरी यू मच सर। इरफान। मैं ये बताऊं, मैं उर्दू में टॉक करूंगा क्योंकि ओके नो काफी प्रॉब्लम, लोग शायद ना समझ सकें। नो प्रॉब्लम। ऐसा है कि सर, जैसे आपने कहा कि इतने ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के साथ, दैट वाज टोटली थ्योरेटिकल, ओके ओके, बट जब बात अभी मेरे प्रीवियस दो तीन इंटरव्यूज हुए, इवन ओके दिस रोल आल्सो, ओके मुझसे पूछा गया जा के विच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डू यू यूज और हैव यू ओके बीन वर्किंग ऑन इट। So literally, I was having no words that what I have used. I have used just Excel and you know the other stuff and but practically, if we talk about project management and project management controls, I had nothing to say then. But ओके luckily, due to other reasons and other qualities, I just qualified. But I acknowledge it that I must be having project management and project management control skills like Primavera, that is engineering skill. जी ओके फराज अहमद, अस्सलाम वालेकुम। जी फराज, वालेकुम सलाम। सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं कॉमसर्स एबटाबाद से अभी ग्रेजुएट हूँ 2023 में, ओके और मैंने तकरीबन इस साल होने वाला डिग्री की है, लेकिन मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली पाकिस्तान में, तो जिसकी वजह से मैं ये स्किल सीख रहा हूँ ताकि मैं गल्फ कंट्री या कहीं और जाके कुछ सीख सकूँ। जॉब तो मुझे मिली थी मुझे एज अ साइट इंजीनियर। बहुत ज़्यादा ख्वारी है पाकिस्तान में खासतौर, तो मैं थोड़ा ऑफिस जॉब की तरफ जाना चाह रहा था, तो इस वजह से फिर ओके मैंने फ्रेंड्स, खुद प्रेमवीर। हाउ डिड यू कंक्लूड इट दैट ओके आई वांट टू मूव इन गल्फ रीजन, बट व्हाई यू आर थिंकिंग ऑफ दैट दिस जॉब कैरियर इज सुटेबल फॉर यू, यू कैन हैव मोर ऑप्शंस, व्हाई प्लानिंग इंजीनियरिंग? बिकॉज सर प्लानिंग इंजीनियर मतलब ये सॉफ्टवेयर सर जो है, ये एक तो कहते हैं कि आसान भी है। सलाम सर सर, मैं जी, लाहौर से, पाकिस्तान से। नो फेरी आई उसने एम रिसेंटली रिसेंटली आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर 2023 बैच। ओके सो देन आफ्टर ग्रेजुएट आई एम कमिंग यूएई, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माय जॉब। नो आई एम स्टिल डूइंग अस्सलाम जॉब इन वालेकुम। बिग क्लास कंस्ट्रक्शन। ओके सो आई एम एज ए Here I am working here as a precast engineer. So ओके I feel that I need Primavera. Before I was thinking Primavera. I know how now because my university teachers guide me regarding this software, but he's a not professional. But now I feel that my other friend guide me regarding you, refer you. You teach from Servercast. I say who's Servercast? He sent me your link. Then I contact you, I see your videos, I am already motivated from your videos and मैं नासिर बात कर रहा हूँ। मैंने 2016 में यूईटी फैसलाबाद से अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की थी, तो उसके बाद फील्ड में भी काफ़ी काम किया, सिविल कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल फील्ड में भी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ओके देन दुबई में भी आया था, लेकिन मैं 6 6 मंथ रहा था, फिर मैं वापस चला गया यहाँ 2017 से। फिर मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू की, तो इस वक्त मैं डीएम इंजीनियरिंग हूँ चेज ओके ऑफ फैसलाबाद में। तो मैंने इसलिए ये ज्वाइन किया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ और अपनी स्किल्स में बेहतरी ला सकूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। माय नेम इज मोहम्मद नजरुद्दीन सर। बेसिकली आई फॉर्म आई आई बिलोंग्स टू दैट इंडिया सर। ओके सो प्रेजेंटली आई वर्किंग इन वेट इन क्यूओसी मेंटेनेंस फील्ड सर। सो आई ओके हैव द 12 इयर्स एक्सपीरियंस इन द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस फील्ड ऑल्सो सर। ओके सर नाउ आई हैव टू प्लान टू मूव द इन प्लानिंग सेक्शन।
प्रीवियसली माय एक्सपीरियंस इज इन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन फील्ड, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू मूव इन प्लानिंग सेक्शन सर। ओके, दैट्स वंडरफुल नजीर, इंशाल्लाह आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट। सर मेरा नाम अफजल खान है और बेसिकली ताल्लुक मेरा पेशावर से है। हाँ मैंने बीएससी इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, ओके और फिर इसके बाद जाके कोविड आ गया, फिर मैंने एमएस एडमिशन लिया था नस से। तो ओके 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद जो कि ऑनलाइन लर्निंग था और फर्क ही नहीं पड़ रहा था पढ़ने का, तो मैंने छोड़ दिया। फिर अच्छा इसके बाद जाके मैं बेगेटाउन में एज ए साइट इंजीनियर ज्वाइन किया इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड सर्विसेज में। तो आपकी वो बात तो कि साइट इंजीनियर में वक्त ही जाया करना होता है, और दूसरी बात यही है कि आगे कोई कोई अच्छी खासी स्किल्स भी इतनी गेन नहीं होती है, और दूसरी बात ये कि सैलरी का भी फैक्टर होता है। तो मैं इस वजह से प्लानिंग के अंदर आ रहा हूँ ताकि मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर मूव ऑन कर सकूँ और अपने करियर को बेहतर कर सकूँ। वंडरफुल वंडरफुल अफजल, एक्चुअली मेरा ये, मैं बोलता जरूर हूँ कि साइट इंजीनियरिंग के अंदर ख्वारी होती है, टाइम ज़ाया होता है, बट आप 1 साल अगर आपको करना पड़े काम, तो 1 साल बहुत है, बट 1 साल के बाद मैंने चूंकि दो साल बेचा किया जाता था। है, कंपनी की तरफ से आपको ये प्रमोशन दे देंगे, आपको ये कर देंगे, 1 साल के बाद इट्स अ लिमिट। वी आर इंजीनियर्स, अगर हमने साइट के ऊपर 1 साल के बाद भी रहना है, अपनी अपनी प्रायोरिटी है, कुछ लोगों का अपना जॉब करियर, बट बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर वी आर हेड ऑफिस काइंड ऑफ गाइस, वी हैव व्हाइट कॉलर जॉब, वी आर मोस्टली पॉपुलर फॉर द मीटिंग्स, वी आर, दिस इज द जॉब करियर फॉर प्लानिंग इंजीनियर, यू नो थोड़ा सा हटके होती है इनकी। सो मैं इस चीज को इसलिए प्रमोट करता हूँ, सब लोग नहीं कर सकते, अब सब लोग प्लानिंग इंजीनियर्स बन जाएंगे तो फिर भी काम नहीं चलेगा। साइट इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग की फील्ड सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं, उनको मौका देना चाहिए हमेशा फ्रेश इंजीनियर्स को, क्योंकि वो साइट पे आए काम करें, एंड अलॉट मोर जॉब कैरियर्स आर फॉर साइट इंजीनियरिंग, बट एज ऑफ नाउ मैं खुद प्लानिंग इंजीनियर रहा हूँ, प्लानिंग मैनेजेरियल मैंने जॉब रोल्स अदा किए हैं, सो आई विल बी प्रमोटिंग दैट वन, जो भी सीखना चाहे, जो उस तरह का टेस्ट होता है ना हर बंदे का, सही है कि नहीं, तो जो उसमें आना चाहे, तो आई विल बी गिविंग यू द बेनिफिट्स के क्या एडवांटेजेस हैं, सो विश यू ऑल द बेस्ट अफजल, आई थिंक इट्स यस गोइंग सर, benefit you a lot. थैंक यू सर। Thank you. Next, please, anybody who is not yet introduced, अपना अपना introduction करवा सलाम दे। जी, उजैर अजीज बोल वालेकुम रहा है। इसके अलावा, जी, वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैंने फैसलाबाद से एनएफसी आईएफआर फैसलाबाद इंस्टीट्यूट है, यूएटी लाहौर से एफिलिएटेड है, वहां से मैंने अभी अभी फ्रेश ग्रेजुएट किया है बैचलर्स। और पहले मेरा आइडिया, अभी हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा था, तो साथ साथ अब्बू का कह रहे थे कि साइट इंजीनियर वाली साइड पे जाओ, तो लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तो उतनी से देर में कोई और कोर्स देख लेते हैं। तो अब्बू ने कहा था कि साइट इंजीनियर वाले मतलब साइड पे ज़्यादातर मतलब कि मेहनत करनी पड़ती है, या फिर वो काम ज़्यादा होता है और तनख्वाह वगैरह थोड़ी होती है, और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कोई और मतलब स्किल्स के लिए स्किल्स की तरफ जाओ। तो फिर मैंने फेसबुक पे आपकी ऐड देखी थी, काफ़ी सर्च किया था इन चीज़ों के बारे में, पहले क्यू ए क्यूसी का देखा था, फिर पहले मेरा साइड उस साइड पे जाने का दिल था, लेकिन फिर प्लानिंग वाला आपका वेबिनार अटेंड किया था तो फिर उससे आइडिया हुआ था इसके बारे में, फिर इस वजह से आज आप इसकी प्लानिंग इंजीनियरिंग वाली साइड पे आए। ओके, दैट्स वंडरफुल उजैर। साइट पे मैं ये नहीं कहता कि साइट पे जाना नहीं है, इवन प्लानिंग इंजीनियर को भी, एक अच्छा प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए भी ना, मैं आज जो एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को चीजें, एक अच्छा प्लानर बनने के लिए भी साइट के साथ अटैच रहना पड़ेगा, वो कैसे रहना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा आपको, बट ये कि मैं साइट पे जाना नहीं चाहता, मुझे नफरत है, हम लोगों ने साइट वालों से ही काम करवाना है, ठीक है, ऑफिस से बैठ के साइट के चक्कर भी लगाने हैं, सो मैं आज आपका ये कॉन्सेप्ट भी सबका क्लियर करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि साइट पे नहीं जाना, तो एनी हो 1 साल तो जरूरी है, मतलब अगर मिल जाए तो वो अच्छी, शुरू में मैंने भी लगाया भाई, हाथ गंदे करने, चेहरा गंदा होता है, धूल होती, मट्टी होती है, लेकिन वो सोना है, लेकिन 1 साल, 1 साल से ज्यादा भी एक्सप्लेन करूंगा, सो फर्स्ट वी शुड लेट गो विद ऑल दिस। जी, देर इज बाकी लोग भी, जी वन बाई वन, अब मैं नाम नहीं ले रहा, जो जल्दी से अपना माइक क्लिक कर दे। जी, नासिर वजीर, अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू वालेकुम आर डूइंग वेल। सलाम। माय नेम इज़ नासिर हसन खान, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूटी पिशावर। आई हैव डन एमएस इन इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग फ्रॉम सरहद यूनिवर्सिटी पिशावर। ओके सर प्लानिंग इंजीनियरिंग इसलिए मैंने चूज़ किया, रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ गाय विद विच आई वॉज मूविंग टू पिशावर। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज लाइक नेबोश एटसेट्रा,
बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये कर लो वो कर लो, फिर उस लड़की ने कहा कि ने बुश को गल्फ में क्वालिफाइड वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, अभी उसका जो वैल्यू है वो रह गई है क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए हैं वो। तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मैं अभी प्लानिंग इंजीनियर, वो तो रिफ्रेश किया हुआ था, मैं मुझसे जूनियर भी था और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी थी। उसने मुझे बहुत मतलब इनकरेज किया कि आप इस फील्ड में आए। बाकी मैंने 2-3 मरतबा आपके वेबिनार भी अटेंड किए हुए हैं, और जो कंस्ट्रक्शन फील्ड और ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन दी वो भी मुझे काफी अच्छी लगी। और उसके अलावा इसमें मतलब इस टफ टाइम नहीं है जॉब में, तो इसी वजह से मुझे मतलब वो शौक आया कि हाँ भाई दिस इज द फील्ड एंड दिस इज द वे टू गो। ओके नासिर, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट. वी विल टॉक अबाउट ऑयल एंड गैस, वी विल टॉक अबाउट एचएससी, वी विल टॉक अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड एज वेल. सो स्टे फोकस्ड, आई विल लेट यू नो किस तरीके से लोग आते हैं, किस तरीके से लोग चले भी जाते हैं. तो मेरी ख्वाहिश होती है कि हर बंदा जो इस सेशन को ज्वाइन कर रहा है वो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि ये पहला सेशन है ही इस मकसद के लिए. आई एम हेयर टूडे, आज मैं आपका ना माइंड सेट चेंज करूंगा. अगर मैं आप लोगों का ये जो कोर्स है ना, इट्स मोर देन प्राइमावेरा P6, यू विल फील इट. ओके सो नेक्स्ट प्लीज, मैं इंशाल्लाह ये पॉइंट लिख रहा हूँ एंड आई हेलो विल निखिल गाइड जी, यू. ओके हेलो, नेक्स्ट प्लीज, अब्दुल अस्सलाम कद्दूस वालेकुम सर। जी. अब्दुल जी क्या सर, हाल है? ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक सर। बेसिकली मैंने BS किया हुआ है अर्थ साइंसेज में, कॉम्पिटिटिव अहमदाबाद से 2015 में। देन मैंने ऑयल एंड गैस ज्वाइन किया, 5 ईयर्स वहाँ पे जॉब की, 1 साल थोड़ा सा OGDCL ऊंचा बोल में, दे भाई, सिनोपैक में। जी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, आवाज तो आ रही है पर इतनी नहीं आ रही कि मजा आए. अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने 2015 में कॉम्पिटिटिव अहमदाबाद से अर्थ साइंसेस किया, देन ठीक है, OGDCL ज्वाइन की, और ऑयल एंड गैस में 5 ईयर जॉब की। देन मैंने मास्टर्स किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, 2019 में कंप्लीट किया। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गया 2020 से अभी तक, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहा था। और 2019 में मैंने PMP किया, सॉरी 2023 में, और रिसेंटली मेरी डेवो ENC में इराक में जॉब लगी एज अ प्लानिंग इंजीनियर। तो मैंने सोचा ये कोर्स कर लूं क्योंकि कौन सी काफ़ी भुला कंपनी हुआ था में? मुझे, डेवो इंजीनियरिंग एंड अच्छा, वो कंस्ट्रक्शन डेबो में वाले इराक जो में। ढूंढ रहे हैं पिंडी से लगी. जी, हाँ वो ढूंढ रहे हैं आजकल, मेरा एक मैंने भी एडवर्टाइजमेंट की थी, मेरा उन्होंने मुझे कहा आप जी हायर एम करके दें. तो आई थिंक पता नहीं क्या नाम था, मुझे नाम भी भूल गया, लेकिन आई वो सी है शायद, सॉरी MIC मैनेज पावर ऐसे ही है कुछ, मुझे असल में मेरे MIC मैनेज पावर, MIP सॉरी जी, सही है मेरा ना? क्लास फेलो वहाँ पे होता है, वो QC इंजीनियर है, तो उसने मुझे रेफर किया था, तो उधर से उसके थ्रू बस। हाँ नहीं, वो बात ठीक है. वो मेरे पास आए थे 2 महीने पहले, तो मैंने उनको जी जी इंटरव्यूज करवा के दिए कुछ लोगों के. फिर लोगों ज्यादातर लोग नखरे कर रहे होते हैं, इराक में जाना है, पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो यही सोच रहे होते हैं इराक बिल्कुल में ऐसे ही है, सिक्योरिटी ऐसे ही चाहिए. है, तो मुझे समझ आ गई ऐसे ही डेवो के अंदर इराक में MIP मैनेज पावर एक्चुअली. तो दे जी कॉन्टेक्ट मी ऑफ एंड ऑन के अगर प्लानिंग इंजीनियर चाहिए हो तो वो कहते हैं अपने स्टूडेंट्स दे दो. जी तो एनी हो, जी थैंक यू वेरी मच फॉर जी ज्वाइनिंग. और नेक्स्ट जी प्लीज, एनी बडी हु इज देयर एंड येट नॉट इंट्रोड्यूस प्लीज. वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम असलाम. वालेकुम असलाम भैया, बोलें. एक फयाज आ रहा है. कैसे हो? जी ठीक जीता है, मेरा जी फयाज कोई मार बात नहीं, जी जीता है. सर, कैसे हो? ठीक जी ठाक। सर, मेरा एक बंदा बोले, अच्छा, ताहिर आप बोले अच्छा ना तो अलाउ मैं करता हूँ, बोलता ताहिर आप कंटिन्यू हूँ। करें फिर अच्छा मलिक इरफान आ जाए. ठीक है ओके सर, ओके जी सर। ताहिर. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ताहिर मसूद है और मैं UT लाहौर से पास आउट हुआ हूँ 2021 बैच में सिविल इंजीनियरिंग। ओके उसके बाद मैंने कराची में तकरीबन 2 साल काम किया एज अ साइट इंजीनियर, ओके और उसके बाद अभी मैं आया हुआ हूँ UAE, तकरीबन 4 महीने चल रहा है विजिट वीज़ा पे हूँ। तो यहाँ के हालात देख के, सिचुएशन देख के, मुझे लगा कि मुझे जो है ना मज़ीद कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, और मुझे कोई इस तरह की स्किल्स चाहिए जिसकी जिसकी वजह से मैं मार्केट में स्टैंड आउट जो है ना होके बाहर आ जाऊँ। तो इस वजह से मैंने फिर प्राइमावेरा का और प्लानिंग का जो है ना इंतखाब किया। लेकिन महीने से मैं यूट्यूब से वीडियोज़ देख के प्लानिंग वगैरह सीख रहा था, लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ के प्लानिंग सिर्फ प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने से नहीं आती, प्लानिंग इज समथिंग डिफरेंट।
तो फिर कहीं से जो है ना आपका रेफरेंस मिला और फिर मैं आपके जो अभी ये बैच है इसमें इनरोल किया मैंने। ओके दैट्स वंडरफुल ताहिर खान, बड़ा अच्छा पॉइंट का प्लानिंग। मैं भी जब फील्ड में काम कर रहा था तो मैंने भी एक स्विच किया था। इट वॉज नॉट लाइक दैट कि अगर आज मैं आप लोगों को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ तो आई वॉज बॉर्न लाइक अ प्लानिंग इंजीनियर। सो देर इज अ लिटिल स्टोरी। आई वॉज अ साइट फील्ड इंजीनियर एक्चुअली, ऑफशोर के अंदर मेरी जॉब थी। आई ट्राइड एट दैट टाइम कि मुझे कोई ऐसा काम करना है, क्योंकि मैं थोड़ी सी नाजुक सूरत हाल जो होती है ना आपकी, कि कुछ लोग होते हैं कि वो इतना हैवी काम नहीं कर सकते और 1 साल 2 साल लग गए साइट पे, अब क्या करें। तो ऑफशोर की जो लाइफ थी वो बड़ी टफ थी। तो आई ट्राइड एट दैट टाइम कि मुझे भी हेड ऑफिस में बैठना, कभी कभार मीटिंग के लिए बंदा आ जाता है साइट पे। सो यू आर राइट कि स्किल सीखने बहुत जरूरी है। स्किल फिर मैंने सीखना शुरू किया प्लानिंग कंट्रोल का। वो यूट्यूब वाली जो बात आपने की है, यू कांट अंडरस्टैंड द थिंग्स जब आपके पीछे एक बंदा ना हो जो आपके सवालों के जवाब दे रहा है। कोई मसला नहीं है, मेरे पास आज भी एक स्टूडेंट आए थे, ही वाज फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड ही वाज सेइंग मी सर मैं आपको यूट्यूब पे फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा इनरोल कर लें अगर आप सीखना चाहते हैं। कहते नहीं सर मैं इनरोल नहीं करना चाहता, मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ। तो आप मुझे ना, मतलब कुछ लोगों का ये मोटिव होता है कि वो फ्री में सारी चीजें मिल जाए, दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन। लेकिन ये ख्वाहिश जरूर होती है कि हमें 10,000 दिरहम मिल जाए। कितना छोटा पोर्शन होता है 20,000 सही पाकिस्तानी, और कितना बड़ा पोर्शन है कि आसानी से ये जो कोर्स मैं ऑफर कर रहा हूँ ना, ये इस कोर्स की बेस पे अगर आप फ्रेश लेवल पे हो तो 6-7 हज़ार रुपये आराम से आप उस तरह का जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो। और अगर अच्छे एक्सपीरियंस लेवल पे हो, समझते हो चीज़ों को, थोड़े तेज हो, तो फिर आप 10-12-15 हज़ार वाला भी इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। क्योंकि प्लानिंग इंजीनियरिंग इज नॉट समथिंग कि आज मैं बॉक्स खोलूंगा तो नई चीजें आपको पता चलेंगी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल देयर।